जल्दी आजा भैया। शूटिंग वोटिंग करके एक्टर हुए काम से बोर, मुंबई छोड़ के भागे भैया झुमरी तलैया। और बोलो झुमरी तलैया, बोलो झुमरी तलैया, बोलो झुमरी तलैया, बोलो झुमरी तलैया। कहते जोकम उछलम कूदम डावम नाचम डोलम, अपनी अपनी स्टाइल में सभी उल्टम सीधम बोलम। चलो झुमरी तलैया, चलो झुमरी तलैया, बोलो झुमरी तलैया, अरे झुमरी तलैया। खावम पीवम जमके खावम सब्जी संग पराठा, पिकनिक सैर सपाटा भैया, पिकनिक सैर सपाटा। बोलो झुमरी तलैया, बोलो झुमरी तलैया, झुमरी तलैया, अरे झुमरी तलैया। गुज्जू मुस्लिम पंजाबी मद्रासी बंगला मराठा, निकले शहर सपाटा करके काम को बाय बाय टाटा। झुमरी तलैया, बोलो झुमरी तलैया, झुमरी तलैया, बोलो झुमरी तलैया, अरे झुमरी तलैया, बोलो झुमरी तलैया, झुमरी तलैया, बोलो झुमरी तलैया, झुमरी तलैया, बोलो बोलो झुमरी तलैया, आ झुमरी तलैया, बोलो बोलो झुमरी तलैया, चलो 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 झुमरी तलैया। खामोश, खबरदार, नो एडमिशन विदाउट माय परमिशन, न जाएगा कोई बस के अंदर न आएगा बाहर, जिसने दिया है चंदा अनुपम को वही जाएगा अंदर, बगैर चंदे के जो जाएगा उसकी खैर नहीं। अबे अबे तू कहाँ जा रही है, कहाँ घुस लिया अबे अंदर, ओए कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, अंदर मत जाना, ओए जगदीप मत जा, जोगी मत जा, अंदर मत जा, अंदर आ जा बाहर, अबे मत जा अंदर, अंदर बाहर बाहर अंदर, अभी अंदर। लपक लूंगा। चंदा चंदा करिया है, तू है बड़ा गंदा। चंदा होती तो साथ में लेके आता। अच्छा। शादी के दूसरे दिन भाग गई चंदा चंदू के साथ, अरे तुझे चाहिए चंदा, कहाँ से ढूंढ के लाएगा बंदा, मुझे जाने दे अंदर, अरे अबे अंदर, जा बाहर बाहर अंदर, अरे मत दे धक्का, हो गया कपड़ा गंदा, अबे चंदा चंदा चंदा, अबे अभी तो सिर्फ तुझे किया है गंदा, थोड़ी देर में कर दूंगा तुझे अंधा। खैर आने दे अनुपम को, पूछने दे मुझे। अबे अनु, ओए अनुपम मेरे चपड़ गंजू, किधर आ तू? अबे चिल्लाता क्यों बे, आ मर गया मैं, जो काम मैं करना नहीं चाहता तो मुझसे करवा रहा है तू, पैसा 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 भीख मंगवा रहा है तू मुझसे, शत्रु के पास पैसे मांगने गया तो मारने आया मुझे वो। अबे क्या बोल रही है? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? वो अपने आप को क्या दाता समझता है? अरे मेरा बस चले तो उसके ऊपर से बस चला दूं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं बेबस हूँ। एक तो पैसे इकट्ठा करो, इधर जाओ उधर जाओ, गालियां खाओ, ऊपर से मार खाओ, जब चंदा इकट्ठा नहीं हो तो मेरा कमीशन कहां से मिलेगा? ऊपर से ड्राइवर का बच्चा गायब है, बस क्या मैं चलाऊंगा? तुम लोगों के बाप का नौकर हूं मैं। अरे ड्राइवर का बच्चा गायब है, मैं ड्राइवर का बाप हूँ, चलाऊंगा मैं गड्डी, भले टूटे सबकी हड्डी, चलाऊंगा मैं गड्डी, गड्डी में चलाऊंगा। अबे तू तो शक्ल से तांगे वाला लगता है, गाड़ी क्या चलाएगा, बैलगाड़ी चलाई कभी तूने? अरे अरे पहले चलाई थी बैलगाड़ी, तब थी मजबूत मेरी बाड़ी, लेकिन एक दिन मैं सीख रहा था गड्डी, टूट गई मेरी हड्डी। अबे हम लोग भोपाल नहीं जा रहे, जा रहे झुमरी तलैया। झुमरी तलैया, वहाँ मेरे भैया, वहाँ तो रहती मेरी मैया, और वहाँ के गोपियों का हूँ मैं किशन कन्हैया, किशन कन्हैया। अबे ओए किशन कन्हैया, अरे मैं मैया का कन्हैया, मैया मोरी मैंने मखन खायो, मैंने मखन खायो, तो किसने खायो? अबे क्यों ताता थैया कर रिया? अरे मैंने मखन खायो खायो, यू यू यू। अबे क्यों मुरली बजा रिया? मखन नहीं खायो तो क्या सुबह सुबह पी के आयो? अरे न पी के आयो न मखन खायो, पुलिस स्टेशन से सीधो आयो। अरे मुझे छोड़ के मत जाइयो मेरे भाइयो, अरे भाइयो। अबे रो मत, तू गाड़ी चलाएगा? अरे गाड़ी? हाँ बे गाड़ी, लाइसेंस है तेरे पास?
नॉनसेंस। अबे नॉनसेंस नहीं, लाइसेंस। लाइसेंस लाइसेंस तो बहुत पुराना है, लेकिन अभी पुलिस के पास है। क्यों बे? अरे सुबह गधे को मार दिया, जमा हो गई कर दी, गधी ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी, कुछ लोग आए थे, तन पी थी उनकी वर्दी, ले गए मुझे थाने और लाइसेंस कर दिया वहाँ भर्ती। ओ तो गधे ने गधे को मारा। हो जाती है कभी कभी ऐसी गलती। कोई बात नहीं, जाते जाते लाइसेंस ले लेंगे पुलिस स्टेशन से, मेरा भी पड़ा हुआ है वहाँ एक हफ्ते से। एक हफ्ते से? अरे किसको मारा था तूने भैया? अब ये गधे के साले को, चल जल्दी। अरे चल रिया हूँ, धक्का मत दे। चलते चलते मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना गधे, अलविदा ना कहना। अरे चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं। अरे रोको रोको रोको, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ठहरो ठहरो। अरे भैया मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? ठहरो, मैंने भी पैसे दिए हैं भैया, ये अनुपम का बच्चा कहाँ गया है? अरे ठहरो। अरे क्या पकड़ो पकड़ो, हम क्या चोर हैं? तुझे छोड़ के जा रहे हैं तुझे? हाँ अचला तो ऐसे रहा, जैसे 1,00,000 रुपए दिए तूने, 36 में से सिर्फ 10 रुपए दिए तूने, 10 नंबर कहेगा, बाकी पैसे कब देगा? तू नाराज मत हो। बात दरअसल ये है कि ये 36 का आंकड़ा बड़ा खतरनाक है, एक दूसरे को लड़वाता है, जैसे तू इस वक्त मुझसे लड़ने आया है। अबे तू क्या मुझे उल्लू समझ रहा है? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे पूरे 36 रुपए चाहिए, वरना मैं तेरी बत्ती से निकाल दूंगा। वो तो मैं घर भूल के आया हूँ, मेरी बात मान, तुम मुझसे 10,00,000 रुपए ले ले, पर तू मुझसे 36 मत मांग दे, 36 का नाम लेते ही तू मुझसे लड़ने लगा है। मतलब तू फोकट में जाना चाहता है? बड़ा समझदार है रे तू। अबे ओए फोकट चंद, आए फोकट में आएगा, काम करना पड़ेगा, कूली बनना पड़ेगा, इधर सबका सामान उतारना चढ़ाना पड़ेगा। मुझे सब मंजूर है, तुम्हारी सभी शर्तें मंजूर है, पर मुझे ले चलो। और सुने ओमू, गाना गाना पड़ेगा, गाऊंगा, नाचना पड़ेगा, नाचूंगा, रोना पड़ेगा, रोऊंगा, चलती बस या कूदना पड़ेगा? आज कूदूंगा, नहीं कूदूंगा, नहीं कूदूंगा, मेरी भगवंती बेचारी बेवा हो जाएगी, मैं नहीं कूदूंगा। असरानी असरानी, तू मेरी रानी, मेरी बात मान, मैं तुम लोगों को अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाऊंगा। बोलो शर्त मंजूर है? मंजूर है, पर तू बनाता क्या है? मैं बनाता हूँ चिकन टिक्का, चिकन बिरयानी, तंदूरी चिकन, चिकन सूप, चिकन मंचूरियन, चिकन जयपुरी, चिकन भागवंती, लेकिन ये डिश मैं अपने लिए रखूंगा। तो इतने दिन क्या कर रहा था, ढाबा क्यों नहीं खोला? तूने पहले क्यों नहीं बोला? आप बोल रही हूँ, जा घुस जा बस में, चल। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, देख आज पिकनिक जाने के वास्ते अपना नारियल पानी का धंधा बंद कर दी मैं, साथ में देख नारियल का टोकरी लाई। क्या रे? अबे इतनी जल्दी थक गया तू? अरे बहुत वजनदार टोकरी ना, जरा हाथ लगाती? नहीं लगाती। अरे क्यों रे? लगाता, इधर हाथ लगाऊं बोल। अरे टोकरी उतारने को रे, आज किसी को भी प्यास लगा उसको पानी पिलाने का जिम्मेदारी मेरा रे, माय रिस्पांसिबिलिटी। अरे मैं कंसेशन में नारियल पानी पिलाती, मेरा नारियल का पानी एकदम रियल, मरियल टट्टू सांड बनती। अबे तू एक ही तो समझदार टट्टू है हमारे यहाँ, बाकी सब साले सांड है, और ऊपर से तू नारियल का पानी भी हमको फुकट पिलाने वाला है। क्या रे तू ज्यादा सुनती क्या? मैं बोला मैं कंसेशन में देती, तू फुकट में लेना मांगती? क्या रे नारियल का पानी डाल कान में? अरे वही तो मैं कह रहा हूँ यार, तू जरूर एक दिन ऊपर आएगा। यू विल डेफिनेटली कम अप माय बॉय नारियल वाले, इसी तरह अगर कंसेशन में पानी पिलाता रहा तो एक दिन लग जाएंगे तेरे दुकान को ताले, समझ ले। अरे ये सब क्या गड़बड़ है, किसको ताले लगाने की बात कर रहे हो तुम लोग? अरे मैं तो कितने सालों से बिन ताले की चाबी लेकर यहाँ घूम रहा हूँ, और तुम लोग ताला ताला कर रहा,
और तुम लोग यहाँ इकट्ठा होके क्या करो? ये भीड़ क्यों इकट्ठा है? अरे असरानी ओम, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? ये सब क्या? अरे मिथुन, तूने अपना क्या हाल बना रखा है? ये लुंगी पे क्यों आ गया तू? क्या करेगा दादा, क्या जैसा दीना थी ना वैसा भेज बना थी मैं। अच्छा, तो तेरे लुंगी पहने के दिन आ गए। अरे वो जगदीप वहाँ क्या कर रहा है? वह स्टेरिंग पे क्या कर रहा है? वो उसे कह दो ये खिलौना नहीं असली बस है, कहीं बस चल दी तो उसे पता नहीं चलेगा ये बस कहाँ जा रही है, क्योंकि उसकी आंखें कहीं और रहती है और देखता कहीं और है और उसका हाथ कहीं और रहता है। अरे जाओ, अरे जाओ, अरे रोको कोई उसे, वो बस शुरू कर रहा है। तुम लोग मेरा मुँह क्या देख रहे हो? अरे सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझाओ मुझे। अरे दादा मुनि, हम लोग पिकनिक जाते मालूम? पिकनिक? अब मुझे अकेला छोड़कर? अच्छा ये तो बताओ कहाँ जा रहे हो पिकनिक? अरे झुमरी तलैया। झुमरी तलैया? तुम लोगों को कोई और जगह नहीं मिली क्या है? अरे पिकनिक जाना है तो तालेगांव जाओ, मालेगांव जाओ, सालेगांव जाओ या तो फिर गोरेगांव जाओ। अरे अपने जवानी में बहुत घूम चुका हूँ रास्तों पे, सारी पतली गलियां भी मालूम है मुझे। वो सब ठीक है लेकिन पैसे पहले देने पड़ेंगे। हाँ, ये बीच में कौन बोला? अरे अनुपम, मैंने तो तुझे देखा ही नहीं। अरे तू कोने में बैठ कर चिल्लर क्यों गिन रहा है? अरे इसी चिल्लर की रामायण का महाभारत है। पिकनिक जाने को सब तैयार है लेकिन पैसे देने के लिए कोई तैयार नहीं है। और हमारे रथ का सारथी है झुमरी तलैया का किशन कन्हैया जगदीप, पता नहीं हमारा रथ कहाँ जाएगा। अबे ज्यादा से ज्यादा पाताल में जाएगा। अरे पाताल भाई रवि, चल मेरे हाथी ओ मेरे साथी, चल ले चल खटारा खींच के। अबे तुझे खटारा दिख रहा है? अरे मैं इसको नहीं तुझे बोल रहा था। अरे चल मेरे यार धक्का मार। ए भाई ए भाई ए भाई, जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, ऊपर ही नहीं नीचू भी, आ रही है बीच में, आ रही है बस के नीचे आ रही है। अरे अरे ये गोना गया। आ रुक जा, ए रुक जा, हाय हाय हाय। अरे क्या हुआ तुझे? रुक, रुक आ। अरे अरे ये क्या हो गया, ये बस क्यों रुक गई? हाँ जी जल्दी से चलाओ। हाँ जी। अरे जरा संभल के। हाँ जी। क्यों डोल रही है वो? हाँ जी। क्यों उछल रहे हो? हाँ जी। क्या पी रखी है? हाँ जी। ये पिकनिक के भैया। हाँ जी। चलो झुमरी तलैया। 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 हाँ जी। अबे सिर्फ हाँ जी बोलेगा या कुछ आगे भी बोलेगा? ये बस क्यों रोकी है तूने पाजी? हाँ जी बोल रही हूँ, सामने देख नहीं रहे हो क्या हो रही है? सामने महमूद की गाड़ी पे, महमूद की गाड़ी पे खारिया शत्रुघ्न सिन्हा पाव भाजी। अबे ओए खैराती खरबूजे उल्लू के अंडे, भोपू बजा बजा कर मेरा दिमाग चाड़ रहा है, देख नहीं राम पावाजी खा रहे? चुप हो जा चुप, वरना तेरा बैंड बाजा बजा दूंगा। अबे ओ बैंड मास्टर, बैंड बाद में बजा, पहले मेरे 36 रुपए निकाल, पावाजी कह रहा है। अच्छा तो फिर आ गया 36 रुपए मांगने और अपने साथ 54 ठन्नियों को ले आया। अगर तू 36 सेकंड के अंदर यहाँ से गायब नहीं हुआ तो तुझे इतना मारूंगा कि तेरे गंजे सर पे फिर से बाल उगेंगे। अरे पहले खेत में काम कर लिया था क्या? आज नहीं बचेगा, पीटेगा जरूर, आज तो पीटेगा साला। बीच में कोई नहीं बोलेगा। अनुपम पैसे इधर ला, निकाल बाहर सारे पैसे, चल मुझे पाव भाजी का बिल देना। अबे दादागिरी करता है, ये पैसे भी ले लेगा तू? चीट रहा मुझे पैसे तू? हाँ हाँ, मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी की जान भी ले सकता हूँ, समझे? सतलू अंकल तुम्हें 35 लाख लो, मैंने अपने दो नंबरी बाप की जेब से माला थे, मेरा बाप वाला तंदूत है, तुम्हें काम करो मेरे बापू को माल दो माल मिलेगा, आधा आधा बात लेंगे। कौन है बे तू? मैं छोटा था, नन्ना था, मुन्ना था, बलमा तत्ती कपूल। अबे तत्ती कपूल, तू तोतला क्यों बोल लिया? तो वह मैंने नाते में किला कहा था, इसलिए दुकान फिसल दी है, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। झुमरी तलैया चलेगा? झुमरी तलैया? हाय कहाँ है, कैसी है, कौन है, उसे मेरे पास बुलाओ ना। हाय मेरे झुमरी तलैया, पकड़ू मैं उसकी कलैया, उसको मेरे नजदीक बुलाइया। लगता है ये लड़की समझा। अबे ओए तेरी जबान ठीक हो गई? हो गई, लेकिन तू इतना दुखी क्यों है? कल मुझे देखने को लड़की आई थी, उसे मेरे बापू ने शादी कर ले, तब से मैं बड़ा दुखी हूँ। शत्रु अंकल मेरी मदद कीजिए ना,
हेल्प में प्लीज हेल्प में। बेटे तो फिगर मत कर, तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो बस में बैठ जा। अनुपम तू भी आ जा, चल साथ में चलता झुमरी तले। अबे तू पागल तो नहीं हो गया? अबे मैं तो मजाक कर रहा था रे, तूने मेरी शत्रुता देखी है, मेरा दोस्ताना नहीं देखा। पिकनिक पे चल, तुझे सब कुछ दिखा दूंगा। वाओ, मुझे छोड़ के कहां जा रहे उनने? पाव भाजी के पैसे तो दे देना रे। ओए तू भी बस के अंदर बैठ जा, तुझे मुफ्त की सैर कराता हूँ झुमरी तलैया, वहां पे तो अपनी पाव भाजी का हंगामा दिखा देना। चल अभी पास में कोई धोबी घाट है क्या? अरे आवाज तो ऊपर से आ रही है। अरे चलती बस कोई रिपेयर कर रही है क्या? हाँ? अबे बोलना। बम 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 परररर बम 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 परररर बम 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 परररर। खर्चे बड़े नो इनकम, कैसे करते हैं तिकड़म? खर्चे बड़े नो इनकम, करते हैं कैसे तिकड़म? पिकनिक का ये मौसम प्रॉब्लम भाई प्रॉब्लम। डोंट वरी बी हैप्पी, डोंट वरी बी हैप्पी, डोंट वरी बी हैप्पी। अब ये कौन हंस रही है ऊपर? हाय ओए नीचे आ जा, कौन है तू? रिश्ते में हम सबके बाप होते हैं। ओए बापू, तू ऊपर क्या कर रही है? अपने बच्चों से बिछड़ गया क्या? ओए अंदर आने तो लैंड लगा के आ जा। हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ओए वो ठीक है, अंदर आके खड़ा हो जा, चलती बस के ऊपर खड़ा हो जाएगा, गिर जाएगा। मालूम है कौन चला रही है बस? झटके बाद जगदीप। अभी ऐसा कोई ड्राइवर पैदा नहीं हुआ जो शहनशाह को चलती बस से गिरा दे, और ऐसी बस नहीं बनी जिसमें शहनशाह खड़े हो सके। शहनशाह आई पिकनिक के लिए चाय खजाने से 36 रुपए ढीले कर दे। हंस मत बेवकूफ, हम यहां पिकनिक मनाने नहीं आए। हमें खबर मिली है कि कुछ डाकू तुम्हें लूटने आ रहे हैं, उनसे तुम्हारी हिफाजत करने के लिए हम यहां पहुंचे हैं। हम जहां हैं वही थे और वही रहेंगे। मतलब तू ऊपर ही रहती क्या? तेर ऊपर बहुत गर्मी होती ना, मैं ऊपर आती तो मेरा अच्छा दोस्त ना, तेरे लिए नारियल का पानी लाती। रुक अब भी आती मैं, रुक। अयोड़ा ये ऊपर कौन जा रहा है? उनने निज का टाइम खत्म हो गया क्या? हाँ, अरे आती जाती क्या कर रहे उनने? गड़बड़े क्या? मेरे बाजू में आके बैठो उनने। हाँ बहुत मजा आएगा भाई, हमारा खूब जोड़ी जमेगा। मेरे साथ आते क्या? पाव भाजी के संग नारियल पानी, आहा, कितना अच्छा सिचुएशन बनेगा भाई। बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं? अरे हमको राधा बोलते, देख हमको गुस्सा आती। अशोक कुमार हमको बहुत गुस्सा आती, हम इसको वार्निंग देती, और जब ज्यादा गुस्सा आती ना हम इसको ज्यादा वार्निंग देती। देख वाओ, जब तेरे को ज्यादा गुस्सा आती तो ज्यादा सुंदर लगती है भाई। अरे अशोक कुमार देख, ये मेरे को बहुत सताती, अब मैं इसका नारियल से सर फोड़ती, नारियल का कसम खा के बोलती मैं इसका सर फोड़ती। अरे क्यों सुबह से लड़ रहे हो तुम लोग? अरे लड़ना तो फ्रंट में जाके लड़ो, अरे दुश्मन से लड़ो, एक दूसरे से लड़ोगे तो लोग क्या सोचेंगे? अरे अरे लड़ने का तरीका मैं तुम लोगों को सिखलाता हूँ। ऐसा करते हैं, दो टीमें बनाते हैं, महमूद की पावाजी टीम, मिथुन की नारियल टीम, और अब ये दोनों टीमें आपस में लड़ेंगी लेकिन संगीत में लड़ेंगी। अब ये दोनों टीमें एक दूसरे से अंताक्षरी खेलेंगी और गाएंगी, तो अंताक्षरी खेलने के लिए तैयार हो जाओ तुम लोग। अरे लेकिन पहला गाना कौन गाएगी? अरे उसके लिए टॉस करना पड़ेगा। अनुपम तेरे चिल्लर में से एक रुपया निकाल। मेरे पास फालतू उछालने के लिए एक रुपया नहीं है, वैसे भी हिसाब में कम पड़ रहे पैसे। अबे ओ कंजूस मक्की चूस, इतना करता क्यों है?
निकाल रुपए का सिक्का, तुझे भी गाने का चांस दूंगा। निकालता हूँ लेकिन वापस दे देना टॉस के बाद, मेरे अकाउंट में गड़बड़ हो जाएगी वरना। अबे ठीक है कंजूस, ला इधर ला सिक्का। अरे कहीं शोले वाला तो नहीं है? नहीं है। मैं तो अगर छापा आया तो तू गाएगा, महमूद अगर काटा आया तो तू गाएगा। ये मैंने सिक्का ऊपर उछाला, ऊपर गया। अरे नीचे क्यों नहीं आया? ये सिक्का इस वक्त हमारे कब्जे में है जाने मन अनुपम। ये सिक्का हमें शोले पार्ट टू में काम आएगा। और सुनो, अभी अपन को डिस्टर्ब नहीं करने का, समझे क्या? अपन गाना सुनने का मूड में है, समझ गया क्या? हाँ? अरे अजय कुमार, तुम्हारा ये कड़का झंझा हमारा सिक्का भी ले गया। अरे उसको नीचे उतारो जल्दी, मेरा सिक्का चला गया। अबे रोता क्यों, मर जाएगा एक रुपए से तू है? चुप रह जा तू। अब मैं बताता हूँ कि अंताक्षरी शुरू कौन करेगा। तास को मारो गोली, अब जिसका आखिर में नाम आएगा वही अंताक्षरी शुरू करेगा। अक्कड़ पक्कड़ बक्कड़ दाव, इना मिना डिका फिका, एक नंबरी दस नंबरी, अले गाँव माले गाँव साले गाँव काले गाँव, अवारा 420 कोहिनूर लावारिस, राज कपूर से मिक कपूर शशि कपूर शक्ति कपूर, तेल मालिश बूट पालिश ब्लैक लेबर जॉनी वॉकर, चार रानी अशरानी राजा रानी राजा जानी, गोल माल माला माल उछल कूद महमूद महमूद महमूद, तू गाएगा। गाली शुरू कर ले। दाल अशोक कुमार दादा मुनी, तुम चीटिंग में एक नंबर के खूनी, अजूड़ा फंसा दिया हमको भाई। क्या रे बाबाजी वाले काले डाल, मेरे को काला बोला उनने और बोला काले, तो सुन ले नारियल वाले, जय हंगामा। हमें काले करने वाले दिल के काले हैं, हमें काले करने वाले दिल के काले हैं, हमें आड़े टेढ़े पाँव बाजी वाले हैं, वाओ। हमें काले कहने वाले दिल के काले हैं, हमें काले कहने वाले दिल के काले हैं। डाय क्या रे, मेरे को गाली देती काला दिल वाला बोलती, रुक मेरा छोटा भाई को बुलाती, उसको हवा हवा गवाती, तेरा लुंगी उड़ाती। हवा हवा ए हवा लुंगी उड़ा दे, पाव भाजी ओ पाजी सबको खिला दे। क्या रे पाव भाजी वाले को पाजी बोलती, मेरे से नड़ना नहीं तू? मैं तुझको नड़ूंगा, मैं तुझसे भिड़ूंगा, मुझसे क्या लड़ेगा, एक चांटा पड़ेगा तू क्या लड़ेगा, चांटा पड़ेगा मारेगा तू क्या लड़ेगा, झांपड़ पड़ेगा झांपड़ दूंगा, समझा क्या? वाओ दादा मुनि, आइए दादा मुनि मेरी मदद कीजिए। दादा मुनि कौन रे? दादा मुनि क्या रे, पानी पिएगा? चुपे, मैं कब से देख रहा हूँ तुम दोनों झगड़ा कर रहे हो। तूने महमूद को बहुत गालियां दी हैं, अब मैं तुझे कैसा गाना सिखाऊंगा जो मैंने खास तुम दोनों के लिए बनाया। तुम लोग गिनो अपना अक्षर क्या आया क्या? हाँ सुनो, गोरे काले है फिल्मों वाले, गाले गाने में न लाया करो, पिकनिक है ये मस्ती कर लो, किसी को न यू चिढ़ाया करो। क्या समझे? नारियल वाले पाव भाजी वाले, दिल से दिल को मिलाया करो, नारियल पानी है जब भी पीते, थोड़ा प्यार भी पिलाया करो। अरे देखा, मैंने तुम दोनों को इतना अच्छा गीत सुना है, अब मुझे पावज भी खिलाओ और नारियल पानी भी पिलाओ, पैसे कल दे दूंगा, जल्दी लाओ। मैंने सुना कि यहाँ कल पैसे देने पर आज पाव भाजी मिलती है, तो मैं भी चला आया खाने। ओ पाव भाजी वाले पाजी, मुझे भी खिला दे भाजी, पैसे कल दे दूंगा। वाओ, ये फोगड़ वाले यहाँ कहाँ से आ गए भाई? ले खा ले पंजाबी लाल, जी भर के खा ले।
थैंक यू मेंशन नॉट। अब ऐसे करेगा ये बताएगा कि भाजी कैसी है पाव कैसा है। अबे क्या हुआ क्यों चिल्ला रहा है? इस कमक ने इस भाजी ने भाजी में मिर्च डाल दी है। मैंने तो कहा था पैसे कल दे दूंगा फिर भी इसने मिर्च डाल दी है। अब मेरी कोई मदद करो पानी पूरी वाले सारी है मंजन नाट नारियल पानी वाले तेरा पानी मुझे पिला दे। मैं तेरी तरफ से गाना सुनाऊंगा जो भी अक्षर है चलाएगा मुझे रुला मत मुझे जैसी पानी पिला है। अरे रो मत रस से पहले गाना गा फिर पानी पिलाऊंगा देख। ऐसी बात है तो मुझे गाना ही पड़ेगा। ले सुन ले मेरी दुख भरी दास्तान सुन ले ले सुन ले। रेलगाड़ी रेलगाड़ी मेरे घर की चुक 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 रोज दिल का इंजन बोले दुख 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 दुख। आई जवानी हो गई जादी बीवी का डर जाऊं ना घर ऑटो पे लाली ऑटो पे लाली मुंह में गाली झगड़ा झगड़ी है बहुत तगड़ी। पेका भेकी पकड़ा पकड़ी घर में बला पकड़े गला धोबी बजाड़ डंडे की मार करे हैरान चले जबान पकड़े वो कान। सामने उसके वो जाता हूँ चुप 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 आए राम। मैं बाहर शेर घर में बिल्ली बीवी के सामने तबियत बिल्ली मत कर जादी अरे मत कर जादी है बर्बादी साधु हो जा बैठ के गादी। रेलगाड़ी रेलगाड़ी मेरे दिल की गाड़ी अरे दिल का इंजन रोज मेरा दुख 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 दुख। ओम तू बहुत है रोया रुक 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 बीवी से जो डरता है तो पहन ले साड़ी। अरे रेलगाड़ी अरे रेलगाड़ी अरे नारियल पानी वाले इसको अब तो पानी पिला दे इसकी रेलगाड़ी का पानी खत्म हो गया है। ये ले रही बड़े नारियल का पानी पिले पिले। देख मिर्च भी खाया ऊपर से गाना भी गाया कितना पसीना आ गया है जल्दी से पानी पी ले पानी बच गया तो उसे मोर हाथ भी धो ले ले ले। अरे क्या रे महमूद तो गाते नहीं क्या? देख मैं गिनती करती एक दो तीन चार पांच सात साढ़े सात। वाओ ये कौन सा स्कूल का गिनते बे छे और साढ़े छह किधर को गया रे तेरा? अरे देख मेरे को छह साढ़े छह अच्छा नहीं लगती। बात तो लेकिन वैसे कर रहा है तू चीटर अशोक कुमार देख चीटिंग कर रहा है मेरे साथ। चुप रहो तुम लोग झगड़ा मत करो सामने देखो कोई आ रहा है मुझे लगता कोई स्मगलर है। ये स्मगलर पावा जी कब से खाने लगे? अरे अरे ये तो ये आई एम लॉइन सारा शहर मुझे लॉइन के नाम से जानता है और इस शहर में मेरी हैसियत वही है जो जंगल में शेर की होती है। अरे मानता हूं कि तू शेर है लेकिन तेरे कंधे पे ये कबूतर क्यों है? दिस इज माई फेवरेट कबूतर। जब मैंने वार किया और फायर किया अपने दुश्मन पर और उसे हमेशा की नींद सुला दी तब से ये कबूतर मेरे पास है। इसको तू हार पे भी देता है क्या? नो ओल्ड मैन ये हमारे उसूलों के खिलाफ है। अरे मैं जानता हूं कि तूने अपने जिंदगी में गुनाह बहुत किए हैं एक गुनाह और कर ले। हमें कोई गीत ही सुना ये महमूद कब अटका हुआ है कैसे कोई गाना याद आ रहा है? हमारी दुनिया में क से सिर्फ तीन अक्षर शुरू होते हैं कयामत कत्ल और क्राइम। अरे हम ये कैसे मान ले? लिसन टू मी ओल्ड मैन। अरे जो भी सुना रहा है पुलिस आने से पहले सुना दे। कबूतर जा 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 कबूतर गो 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 कबूतर जा 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 यू मस्ट गो कबूतर। तो इसे कहां भेज रहा है? टाइगर का मैसेज रॉबर्ट को जल्दी पहुंचा दो। कबूतर जा 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 कबूतर गो 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 कबूतर जा जा जा। अरे ये तेरी बात को नहीं मान रहा है। इसकी कनपट्टी के नीचे मैंने बम लगा रखा है। कबूतर गो 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 यू मस्ट गो कबूतर कबूतर गो 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 यू मस्ट गो कबूतर कबूतर जा जा। अरे भैया ये क्या कर दिया तूने बम से कबूतर को मार दिया।
हमें इनकार करने वाले का यही अंजाम होता है ओम। शायद पुलिस आ रही है। आई मस्ट गो नाउ। और सुनो, इसकी लाश को नारियल में छुपाकर इसके घर के सामने रख देना। और हां, पुलिस के सामने अगर तुम लोगों ने अपनी जबान खोली तो तुम लोगों का भी यही अंजाम होगा और तुम्हारी लाशें तुम्हारे घर के सामने नजर आएंगी। विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। अबे क्या बेस्ट ऑफ लक, इस अंताक्षरी के खेल में कबूतर के खेल का अंत हो गया। कमाल कर दिया इस नालायक ने। अरे देख, मेरा मूड खराब होती, मैंने गाती, मैं दुखी हो गई। आयोड़ा, तो दुखी हो गया रे? तो दुख भरा दुखड़ा सुना ना कोई, सुना बे। जारी हुजरे ना पलझी, दुनिया से दूर जारी, यह तो है कातिल सारी, यह मतलबी दुनिया मेरी प्यारी। जारी मैं समय हूं, मैं ही समय हूं, मेरे पास वक्त बहुत कम है, फिर भी मैं ही समय हूं। काल के इस प्रवाह में बहने वाले इन तिनकों को ये नहीं मालूम कि ये कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कल क्या होगा, इन्हें कुछ नहीं मालूम। इस बस का पहिया रुक सकता है, मेरा नहीं, क्योंकि मैं इस समय हूं। फिल्म इंडस्ट्री के कुरुक्षेत्र में पैसे के मोह में धृतराष्ट्र की तरह अंधे बने हुए ये लोग, ये नहीं जानते कि उनकी हस्ती का हस्तिनापुर कब खत्म हो सकता है, कब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं जानते ये लोग। इन्हें नहीं मालूम क्या आने वाले कुछ पलों में उनका ये कलयुगी रथ, ये जो बस है ना इनकी, ये रुक सकती है और फिर शुरू होगी इनके जीवन की महाभारत। मैं सब जानता हूं क्योंकि मैं इस समय हूं, मेरे पास वक्त बहुत कम है, फिर भी मैं इस समय हूं। अरे लंबू, कितने आदमी है रे तेरी बस में? तू बोलता क्यों नहीं रे बबुआ? हे बबुआ, तेरी नीचे तू अपने आप को बड़ा सांसा समझता है तू? सुना नहीं तूने हमने क्या कहा? सुना नहीं तूने हमने क्या कहा? तू नीचे आता है या बंदूक की गोली को भेज दू पर? अरे नहीं नहीं गब्बर भैया, ऐसी गड़बड़ हरगिज नहीं करना। हाँ, तुम अपने आदमियों से कह दो कि बंदूक फेंक दें, अगर किसी ने गोली चलाने की कोशिश की तो क्या कर लेगा तू? अरे भैया, हम ये कह रहे थे कि ना गोली बर्बाद करने की क्या जरूरत है, गोलियां वैसे भी आजकल महंगी हो गई होगी ना, समझ रहे हो ना? हाँ, और इस काली अंधेरी रात में, इस घने जंगल में जब गोली चलेगी और जो धमाका होगा उसके बाद जो होगा उसके बारे में कभी सोचा तुमने? हैं? अरे भैया, ये जंगली जानवर जो चैन की नींद सो रहे हैं जग जाएंगे और आपके सामने खड़े हो जाएंगे और हमको छोड़ के आपके पीछे पड़ जाएंगे, फिर ना कहना कि हमने आपको वार्निंग नहीं दी थी। हाँ, लगता है तू सीधी तरह से नीचे नहीं आएगा। अरे नहीं नहीं, हमने ये कब कहा? अरे हम तो नीचे आ ही रहे थे कि आप आ गए। और ऐसा भी कभी हुआ है कि आप बुलाएं और हम ना आए? अरे क्यों ना आए भाई, क्यों ना आए? दरअसल बात ये हुई
एक दिन ऊपर वाले ने हमको नीचे भेजा, हम नीचे से ऊपर इस बस के ऊपर आ गए, आप नीचे से ऊपर देख के हमें नीचे बुला रहे हैं और हम ऊपर खड़े खड़े आपको नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे देख रहे हैं। अगर हम ऊपर से नीचे आ गए और आपने हमको नीचे से डायरेक्ट ऊपर भेज दिया तो एक दिन ऊपर वाला फिर हमको नीचे भेजेगा, फिर हम नीचे से बस के ऊपर आ जाएंगे और आप हमें ऊपर से नीचे बुलाएंगे और नीचे से डायरेक्ट ऊपर, और हो सकता है कि ऐसा ऊपर नीचे करते करते एक दिन आप ऊपर डायरेक्ट चले जाएं। हाँ, समझ रहे ना? हाँ, समझ गया, सब कुछ समझ गया। बहुत लंबा चौड़ा भाषण सुना के हमारा भेजा खराब किया है तूने। अब तू गोली खा। अवा गब्बर मियां, ये क्या कर रहा है? गड़बड़ कर रहे हैं फिर आप? हैं, मरने के लिए तैयार हो जा लंबू। हाँ, रुक जा गब्बर, छोड़ दे उसे। आओ आओ, तो तुम भी बस के ऊपर छुप गए थे ठाकुर, और आज इस लंबू को बचाने आए हो? हाँ गब्बर, क्योंकि इस लंबे आदमी ने मेरे 36 रुपए देने का वादा किया, और जब तक ये 36 रुपए नहीं देता इसे बचाना मेरा पहला फर्ज है, और मैं इसे किसी भी कीमत पर मरने नहीं दूंगा गब्बर सिंह। अरे जो दूसरों के सिक्के चुरा था वो आपके 36 रुपए कहाँ से भरेगा? कड़का जहनशाह, गब्बर सिंह ले जाए इसे अपने साथ। अरे अनुपम, क्या बकवास कर रहा? अरे गब्बर सिंह, इसकी बातों में नहीं आना। अरे तुम हमारा रास्ता रोक के क्यों खड़े हो? क्या चाहिए तुम्हें? अरे हमें देर हो रही है, तुम्हें जो चाहिए जल्दी से ले लो और हमें छोड़ दो। तुम्हें देखकर सबके पसीने छूट रहे हैं। तुम्हारी इन लोगों से क्या दुश्मनी है? यह तुम नहीं समझोगे, बहुत पुरानी दुश्मनी है, 16 से चलती आ रही है, क्या समझे? अरे दादा मुनि, लगता है कुछ लपड़ा है। इस हंसी को तो हम अंग्रेजों के जमाने से सुनते आ रहे हैं। लगता है ये अमजद भाई का बिछड़ा हुआ भाई है। अरे मेरे भाई, क्यों डरा रही है हम सबको? देख थर थर कांप रही है सब। हाँ, जो डर गया समझो मर गया। हाँ, तुम लोग तो बेकार में डर गए। मैं ही अमजद हूँ। मैं तो यहाँ शूटिंग कर रहा था, सुना तुमने? असरानी, हाँ ए असरानी। अबे मरे तेरी नानी, तुझे मजाक सूझ रही आधी रात को जंगल में? हैं, आओ अमजद भैया, अमजद भैया आप भी चलिए ना हमारे साथ। झुमरे तलैया, सुना जंगल में बहुत डाकू होते हैं, आओ आओ। अबे आओ आओ, क्या कर रही है? आओ अंदर, आ तो गया, आप कितने अंदर आएगा? हैं अन्नू, आप इस अमजद से पैसे वसूल करके दिखा, फिर तुझे मान जाऊं। अबे मरना है क्या मुझे 36 रुपए मांग के? मैं पैसे मांगने के लिए मुंह खोलूंगा, मुझे जान से मार देगा? कोई बात नहीं, इसके पैसे मैं भर दूंगा। कभी कभी घाटे में भी नुकसान हो जाता है। ये घाटे नुकसान की क्या बात हो रही बिडू? कुछ नहीं, अनुपम के पास कुछ पैसे ज्यादा हो गए थे, आपके आते हिसाब बराबर हो गया। हाँ चलो बैठो जल्दी, वरना दूसरा डाकू आ जाएगा। आ जाओ अंदर। अमजद बस में बैठा, दुगना हो गया बस में भार, गुब्बारे जैसा पतला है गब्बर मेरा यार। अरे गब्बर भैया, मेरे अमजद भैया, अमा संभालो बस का पहिया, चलो झुमरे तलैया। अरे शराबी ओला वारिस लंबू नमक हराम, अबे कुली तू बस की छत पे करते रे नाकाम, अभी ना नीचे आया कहीं तो झटके खैया, अरे ओ लंबू छैया चलो झुमरी तलैया। हाँ लड़की देखे मारे लैनम ये शक्ति मुस्टंडा, इसे देखकर सभी लड़कियां मारे इसको डंडा, पकड़े सबकी तलैया सब चाहिए मार खैया, वो मजनू शक्ति भैया भागो रे झुमरी तलैया। शेर न समझो अपने को मेरे असरानी भैया, गब्बर को देखा जब तुमने हो गए भोली गैया, ओ असरानी भैया तुम्हारी डोली नैया, सुना के चाहता थैया, चलो रे झुमरी तलैया, चलो रे झुमरी तलैया, चलो झुमरी तलैया।
ये धमाका कैसा भैया, ये आवाज कैसी है? अमजद भैया कहीं तूने गोली तो नहीं चलाई? अरे ये बस क्यों रुक गई? आ जगदीप तूने बस क्यों रोकी है बता? अरे भैया मैंने बस का रोकी, मैं तो पेडल मर रही हूँ दबा रही हूँ, लेकिन ये बस है कि न आगे जा रही न पीछे। अरे तो फिर उतर और देख नीचे कि हुआ क्या है। अरे देखता हूँ उतरता हूँ। अरे चल आगे और देख पीछे, उतरा है जगदीप नीचे, देख रहा हूँ। अरे बस के पाँव में काटा घुस गया है, हो गया पंक्चर। अरे भैया पंक्चर। आओ मेरे झुमरे के तलवे में काटा, ये दलूल मेरे बाप की ताल होगी। हलाम हलाम, अब मैं क्या करूँ? ओए कल्लू, बबूल के कांटे देख नहीं रिया, टायर पंक्चर हो गया। हाँ पिकनिक की कुंडली में जरूर शनि महाराज की साढ़े साधी चल रही है। यू मीन पनौती? पनौती, मुझे तो पहले से शक था कि ग्रहों के लक्षण कुछ अच्छे नहीं। इस पिकनिक की कुंडली बड़ी मनहूस है, मंगल दंगल कर रहा है, और जंगल में इस वक्त हमारा टायर पंचर कर दिया है उस कमबख्त ने। बंद करो तुम्हारी चरम कुंडली। अरे भैया तो फिर तुम ही बताओ इस लपेटे से बाहर कैसे निकले सारी मंडली। तुम्हारी मंडली को अपनी कुंडली में बांध के रखो, मैं तो जा रहा हूँ चलते हुए, गुड बाय। बाय बाय बेटे, अगर जिंदा रहे तो हमें झुमरी तलैया में मिलने जरूर आना। अरे जाने दो उसको, बड़ा शेर बन के गया है, पता चलेगा सुबह तक रास्ते में कोई सवासर मिलेगा तब। हाँ अरे तू क्या कर रहा जगदीप, जल्दी टायर क्यों नहीं बदली करता? हाँ अरे भैया मैं तो हवा भरवाना भूल गया था। अरे कोई कुछ करो, हवा भरो नहीं तो मरो। अभी तो एक ही रास्ता बचा है, सब लोग नीचे उतरो और टायर में एक एक फूक मारो। फू फू बोलो, पहली फूक कौन मारेगा? अमां सबको फूकने की क्या जरूरत है? अरे गब्बर मियां को नीचे बुलाओ और एक ही फूक में ठारी टायर फुलाओ। हैं रही ना कल वाली बात, समझते नहीं हो तुम? अमां अमां गब्बर मियां, एक आधी फूक का सवाल है, एक छोटी सी फूक मार दो इस बस की स्टेपनी में, हैं और इसको फुला दो, थोड़ी मेहरबानी करो भैया। हैं प्लीज हैं प्लीज। हाँ अब आएगा मजा, बचपन में गब्बर ने बहुत गुब्बारे फुलाए हैं। आज तक गब्बर ने कई कायरों के टायर पंक्चर किए हैं, लेकिन आज पहली बार किसी बेजान टायर में जान फूकने जा रहा हूं मैं। हा फू हवा हवा गब्बर मियां, यह तो आपकी ज्यादाती हुई ना है? हमने तो आपको आधी फूक मारने के लिए कहा था, आपने तो पूरी फूक मार दी टायर में, टायर को फूक दिया, कर दी ना गड़बड़ आपने है? अब तो सारी रात यहीं रहना पड़ेगा ना सबको है, इस भयानक जंगल में। अरे रोने से क्या होगा है? अरे तुम लोग देखो यहीं आसपास जंगल में कहीं पेट्रोल पंप हो तो टायर ठीक कराओ, तब तक मैं और ओम जाके बस में सो जाते हैं। ओम चल मेरे साथ। चलता हूँ। अरे क्या ही वो कर रहा है, मुझे मच्छर काट रहा है। ए जगदीप तूने बस की लाइट क्यों बंद कर दी? अरे बत्ती इसलिए बंद कर दी क्योंकि मच्छर कर रहे तुम्हारे इर्द गिर्द कर दी, बत्ती बुझते ही मच्छर न देख सकेंगे न सुन सकेंगे। अरे खटमल लेकिन काट तो सकेंगे ना, चल जल्दी से लाइट जला। लगा रही हो? कहाँ गया बटन? अरे मच्छरों की तरह मुझे भी अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सुबह जला लूंगा। क्या सुबह जला लेगा, रात भर मैं डर जाऊंगा। राम 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 सब राम नाम जब, राम से कोई नहीं बड़ा, राम से कोई नहीं बड़ा, राम से कोई नहीं बड़ा। रामसी ब्रदर्स पेश करते हैं अंधेरी रात में भूतों के साथ में। ए, बड़ा नटखट बदमाश जा रहा है तू, क्या क्या बोलता रहता है। ये बियाबान जंगल साए साए करते
हुई हवाएं, पत्तों की डरावनी झरमराहट, लगता है कोई आ रहा है। अरे अरे अरे, कौन आ रही है? एक जवान लड़की, हाथों में मोमबत्ती। वो कौन थी? मधो, कहां चली गई मेरी मधो? मैं तो समय हूं, पर न जाने कब, क्यों, कैसे, कितनी जल्दी बीत गया मैं। आज रुक सा गया हूं मैं, मेरी मधो मुझे अपने पास बुला रही है। मेरे पास समय नहीं है, जा रहा हूं मैं। अलविदा मधो, आ रहा हूं मैं। अरे ये तो सचमुच गया, वापस नहीं आएगा लगता है। यहाँ तो सचमुच भूतों का डेरा है। अरे पर हमको यहाँ क्यों घेरा है? अरे ये कौन है? अरे आएगा, क्या आएगा आएगा। अरे 40 साल पहले मुझे तंग किया था, फिर आ गई। कोई नहीं आएगा, मैं तो बिल्कुल नहीं आऊंगा। आना तो तू आ। अरे अरे अरे, ये आवाज़ें कैसी? अरे ये दूर से आवाज़ें कैसे आ रही? कौन आ रहा है सामने से? हाँ लगता है भूतों की टोली आ रही है। हाँ अरे खिसक लो, निकल लो भैया, जल्दी लपक लो। अरे अरे भैया, अरे कहाँ हो तुम लोग? अरे ये पकड़ लो हम लोगों को। अरे छोड़ो छोड़ो, ये रात के समय कहाँ से आ गई है? कौन है? अरे हमको पकड़ के कहाँ ले जा रहे हैं? अरे छोड़ो हमको, कोई बचाओ। अमित, जगदीप, रानी, मेरी कोई मदद करो। अबे कौन पकड़ रही है पीछे से? अबे छोड़। अरे जंगल में कौन आया है? ओए जंगल में दंगल मचा रही है। अबे अबे तू भूत है, तेरा नाम क्या है? ओए तू तो चोर लग रही है। ओए अमक, अबे ओए ओए तू तू अबे मुझे मत छू, मैं आगे पीछे तू। अबे भाग भाग भाग, कबड्डी कबड्डी कबड्डी। ओए अमा अमा अमा, क्या कर रहे हो मियां? अरे कौन हो तुम लोग? अबे अमा हाथ पकड़ लिया हमारा। अरे सर शाम तो करो मियां। अरे पढ़ाया मर के बलन को छोड़ा, हम हम घर जाके मुंह क्या दिखाएंगे? हम आए हम छोड़ो। अरे क्यों धक्का क्यों दे रहा है मियाँ? इस पेड़ से बांध लोगे क्या? अरे हम अरे हमने क्या किया है? और जगदीप तुम्हारे रिश्तेदार आए हैं लगता है। अरे हम वो नहीं, वो वहाँ भाग रहा है तुम्हारे रिश्तेदार। अरे छोड़ दो हमको प्लीज प्लीज। अरे प्लीज जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की नली, नहीं तो चढ़ा देंगे ये मुझे सूली। अरे छोड़ो छोड़ो, अरे पकड़ना है तो अनुपम को पकड़ो, उसके बाद वो चिल्ले रहे, जल्दी जल्दी पकड़ो। अबे सारे नालायक कुत्ते हल्का धो के बाद मुझे फंसा दिया तुमने। अभी लोग मेरे पीछे बोलेंगे, अबे तुम लोग क्या चाहते हो? पाल चाहिए तुम्हें, सब ले लो, लेकिन मुझे छोड़ो। अरे अब मैं देखता हूँ, अब मैं देखता हूँ तुम लोग कैसे छोड़ते हो। ये माल ले लो, अरे कितना चाहिए तुम्हें? कुछ बोलते क्यों नहीं? व्हाट इज योर लैंग्वेज? अरे कितना चाहिए तुम्हें? बोलते क्यों नहीं है? मुझे
अपने पेड़ से क्यों बांध रहे हो? अरे भैया बांधना है तो पलंग से बांधो, यहाँ चीटियाँ बहुत काट रही है, पलंग के नींद तो आ जाएगी कम से कम, तुम्हें भी सुला लूंगा भाजू में। अरे ओम यहाँ सबके जान की पड़ी और तुझे पलंग की सूझ रही है, तो कभी नहीं सुधरेगा। अब मेरी समझ में आया कि वो लड़की आएगा आएगा क्यों कह रही थी, इन्हीं लोगों के गैंग की भागी हुई लड़की थी वो, शायद वो हमें चेतावनी दे रही थी, हमें तभी भाग जाना चाहिए था। उस लड़की की बात को अगर हम मान गए तो उस वक्त तुझे नौबत नहीं आती। अरे अरे शक्ति शक्ति तू उनके पीछे कहाँ भागे जा रहा है? आओ मत जा उनके पीछे, मरने से पहले मर जाएगा, मेरी बात मान शक्ति उनके पीछे मत जा। आओ दादा मुने मैं जाके आओ, ये मेरे ससुराल के लोग हैं, मुझे लेने आए हैं, मैं इनको जानता हूँ, मैं तो जंगली जवान हूँ, मुझे से पता है मेरे ससुर की कितनी बीवियाँ बीवियों की कितनी बेटियाँ बेटियाँ मैं कितनी कुंवारियाँ मुझे पता है। अले मेरे ततुलाल वालों मुझे भी अपने साथ लेते लो ना, अले 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 मुझे क्यों मान ले हो? अमृत भैया मुझे बताओ ना, मुझे बताओ ना, अले मुझे क्यों पकड़ ले हो? उस मोटे को पकड़ो जो मुझे बताने आ रहा है। अरे ससुरी के अगर हमको पेड़ से बांधने की कोशिश की, हम इस जंगल में जितने पेड़ है सारे के सारे उखाड़ के फेंक देंगे, और जब जंगल ही नहीं रहेगा तो तुम लोग कहां रहोगे? हाँ बोलो कौन हो तुम लोग, क्या चाहते हो, कौन है तुम्हारा सरदार, बोलो बोलो बोलो। हम हैं इनके सरदार, तुम लोगों की हालत देखकर भगेम्बो होश हुआ। इस जंगल में पेड़ पौधों फूल पत्तों जानवरों इंसानों को हमारी इजाजत के बगैर सांस लेना मना है, और तुम लोग पकड़ा पकड़ी कबड्डी जैसे खेल हमसे खेलना चाहते हो भगेम्बो के साथ, इसकी सजा मिलेगी। आज रात को एक जश्न होगा, एक ऐसा हंगामा होगा जो न पहले कभी हुआ न फिर कभी होगा, और उस जश्न के बाद तुम लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला होगा। अरे भैया ये आवाज कैसी है? ओ, लगता है मोगैम्बो ने अपने लिए जाते जाते पेड़ पर पंखा चालू कर रखा है। नहीं बे ये तो हेलीकॉप्टर है, देख कोई उतर रहा है, लगता है कोई हमें बचाने आ रहा है। हेलीकॉप्टर? अरे मेरे तो आजू बाजू घूम रहे मच्छर। चुबे देख कोई अपनी तरफ आ रहा है चल के, आई कौन है ये? वेरी सैड, तुम्हारी ये बुरी हालत किसने बनाई है? लेट मी नो। अरे अजीत, अरे तू फिर आ गया यहाँ, अरे तू रात को जंगल में क्या कर रहा है? ये मेरा पुराना अड्डा है मिस्टर गैंगुली, मैंने सुना है कि इस जंगल में एक नया इंस्पेक्टर आया है जो जरूरत से ज्यादा शरीफ है, इस वक्त वो हमारा पीछा कर रहा है, हम चाहते हैं के उसके आने से पहले हम डार्लिंग मोना को लेकर सारा सोना मून पर ट्रांसफर कर दें। यू सी आजकल हमने इंटरस्पेस स्मगलिंग शुरू कर दिया है, बहुत जल्द रॉबर्ट रॉकेट लेकर आता ही होगा। जिनके अपने रॉकेट नहीं होते वो दूसरों के रॉकेट लेकर चांद पर उड़ने के ख्वाब नहीं देखा करते। अजीत तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, अपने आप को इंस्पेक्टर राजा के हवाले कर दो। इंस्पेक्टर साहब अच्छा हुआ आ गए, देखो क्या हाल बना रखा हमारा, आपको यहाँ से छुड़ाओ जल्दी। ये लोग कौन है? अजीत तुमने इन सबको बांध क्यों रखा है बताओ? तुम ठीक कह रहे हो राजा, लगता है ये अजीत की कोई नई चाल है, जरूर उन पागल आदिवासियों से मिला हुआ ही है। अरे क्या नाम है उनके सरदार का, वो मोगैम्बो दादा? हाँ मोगैम्बो, मोगैम्बो जो बार बार बिना वजह होश होता है, उसकी तलाश तो हमें कई सालों से थी, ये तो अजीत से भी खतरनाक मुजरिम है। अजीत तुम्हारी किस्मत अच्छी है, हमें तुमसे पहले
मोगैम्बो को पकड़ना बहुत जरूरी है। जाओ अजीत, कुछ दिन ऐश कर लो, जान पर सैर कर लो। हम तुम्हें कुछ दिनों बाद गिरफ्तार करेंगे ज्यादा माल के साथ। जाओ भागो। स्मार्ट बॉय, कम ऑन मोना, लेट्स फ्लाई। अमा यार, लगता है ये इंस्पेक्टर स्मगलरों से मिला हुआ है। उसको तो छोड़ दिया, हमको नहीं छोड़ रहा। अरे थोड़ी देर में मोगैम्बो आएगा अपने लोगों के साथ जश्न मनाने के लिए, और न जाने क्या क्या कर लेगा हमारे साथ। हैं? यही तो हम चाहते हैं जानी। वो अपनी टोली के साथ यहाँ आए और हम उसे घेर कर गिरफ्तार कर लें। जब तक उनका जंगली गाना खत्म हो तब तक इंतजार करेंगे हम लोग। अबे नालायक, तू मेरा डायलॉग मुझे को सुना रहा है? तू बंबई चल, मैं देखता हूँ सोचे। बाप से धरती क्या हटेगी, अधर्म से चमकेगा आसमान, अत्याचार से थर थरा देंगे इंसानियत को राज कर रहे हम जैसे हैवान। राजकुमार का कहीं पता नहीं है, अब ये लोग हमें मार देंगे। अमित असुरानी, आप कुछ करो। रो नहीं, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा। मेरी बात ध्यान से सुनो, जब तक ये इंस्पेक्टर नहीं आ जाता हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अपनी जान बचाने के लिए। इनके गाने का ये प्रोग्राम जारी रखना पड़ेगा। हैं? अरे मोगैम्बो भाई, कुछ करने से पहले तनिक हमारी बात तो सुन लो। तुम्हारा ये जो गाना है ना, इसको तुमने कई बार गाया होगा, कई बार सुना होगा, इसकी कई जुबलियां बनाई होंगे तुमने। सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, प्लैटिनम जुबली, पीतल जुबली, तांबा जुबली, एल्युमिनियम जुबली, पर तुम्हारे सबके गले का ये जो माइक्रोफोन है, ये जो टेप है, ये बिगड़ गया है। अब यही गाना हमारे लोग आपको सुनाएंगे, आप खुश हो जाएंगे, आपकी तबीयत जो है ना बिल्कुल खुश हो जाएगी। हाँ मोगैम्बो, खुश हुआ? चलो भाई जगदीप, कुछ कर लो जल्दी, जान बची लाखों पाए, जल्दी से सुना। ओए ओए, आए रे, जान बची लाखों पाए, ओए 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 ओए, तिरछी टोपी वाले, आए ए ओ ओ ओ, तिरछी टोपी वाले, ए ए ए ओ ओ ओ, बाबू भोले भाले, हले निकले भागले, हाय हाय, ओए ओए। अमा अमा, क्या ठाठ अटक गई आपकी? हैं? अरे शक्ति कपूर भैया, शक्ति तू कुछ कर ले, लगा ले अपनी शक्ति जल्दी जल्दी। हाँ ले, ओए ओए आओ, ओए आए, ओए तिरछे नन्हे वाले, बीवी भोले भाले, तू याद आने लगी है, या मेरी जान जाने लगी है, मोगैम्बो मेरी जान जाने लगी है, ओए आओ, ओए आए। मोगैम्बो खुश हुआ? अब आप इसी तरह खुश रहिए, हम आपको और सुनाते हैं। हसरानी भैया कुछ कर ले। ओए ओए, हा हा, ओए
ओए गंजे खोपड़ी वाले, तू खुश हो ले, हम यहाँ से निकल ले, लपक ले, भाग ले, ओए होए निकल ले। अब ये लगता है ये भड़क गया। मोगेम्बो खुश हुआ। अम्मा अनुपम, तुम दोनों एक ही बिरादरी के हो, अब तू ही पूछ ले इसको भाग निकलने का प्लान, जल्दी कुछ कर ले। ओए ओए आ, ओए ओए आ, ओए ओए आ, तिरछी टोपी वाले आ, गंजे टकलू साले, अब जा, तू टकलू मैं भी उटकलू, तेरे चंगुल से मैं कैसे निकलू, ओए ओए आ। मोगेम्बो होश हुआ, आज हम तुम्हारी मौत का पैगाम लेके आए थे, पर तुम्हारे ओए ओए ने हमें होश कर दिया। जाओ, अब तुम आजाद हो। वाह भैया वाह, ये तो गजब हो गया है, कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे हैं। वाह 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 वाह, मगर ये राजकुमार कहाँ भाग गया, कमबख्त धोखेबाज निकला बड़ा। उसे हमने रिश्वत देके खरीद लिया है, अजीत के पीछे वो जान पर गया होगा। हा हा, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। जब हम अजीत को नहीं पकड़ सके तो वो क्या पकड़ेगा। मोगेम्बो, हमारे साथ झुमरी तलैया चलोगे? जरूर। मगर 36 रुपए देने पड़ेंगे। मोगेम्बो 36 रुपए जरूर देगा।